यहाँ पर आप एक स्टाम्पिंग प्रेस देख रहे हैं और ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर मोटर है, मोटर से आप व्हील में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द बेल्ट ड्राइव। और ये रैम है जो कि ऊपर नीचे हो रहा है, और रैम में आपका नीचे टूल एंड डाई सेट होता है जो कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ब्लैंकिंग का मतलब इसमें से जो कट के आ रहा है, जो सर्कुलर डिस्क कट रही है, वो बेसिकली, ये सर्कुलर प्लेट बोलूँ, वो बेसिकली यूज़फुल है। और जो शीट है, ये शीट क्या है, एज अ वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक डीसी मोटर होती है उसके लिए जो रोटर होता है जिसके अंदर बाइंडिंग करते हैं, वो स्टाम्पिंग बन रही है उसके लिए। तो यदि हम पार्ट्स की बात करें इसका, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं कॉलम है, और नीचे आपका बेड है जिसके ऊपर सारी चीज़ें माउंटेड होती हैं। और ये आप देख रहे हैं मोटर, मैंने किस तरह से दिखाया है आपको। इसमें पीछे भी सिस्टम रहता है, गियर सिस्टम। ये आपने इस फ्लाईव्हील को पावर ट्रांसमिट किया, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसके आरपीएम को रिड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पीछे गियर सिस्टम लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इस गियर सिस्टम के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। पहले एक बार आपने यहाँ पे पावर आरपीएम रिड्यूस कर दिए, और फिर दूसरी बार आप यहाँ से गियर सिस्टम से आरपीएम को रिड्यूस कर रहे हैं। उधर आपका ये रैम लगा हुआ है, रैम बेसिकली क्रैंक शाफ्ट माउंटेड है, जो कि नीचे आप पैडल से उसको ऑपरेट कर रहे हो अप एंड डाउन। ठीक, इसमें नीचे क्लच होता है, क्लच से आप क्या करते हो, उसको इंगेज और डिसंगेज करते हो, जिसे ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है। और कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये इस तरह से शीट है, शीट में से कट करके हम बना रहे थे, ये मतलब स्क्रैप पड़ा हुआ है इधर। तो वहाँ पे ब्लैंकिंग होगा, ब्लैंकिंग के बाद भी इसमें काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ब्लैंकिंग के बाद ये इसमें जो कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ को कट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग टूल एंड डाई होते हैं इसमें, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, हम क्लैंप कर देते हैं जैसे 100 सेंटीमीटर या उस हिसाब से, और इसमें कैविटीज़ होती हैं, इसके अंदर से वायरिंग की जाती है। आप देखेंगे वही वर्किंग है सेम इसमें भी, मोटर से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट करेंगे फ्लाईव्हील को, जिससे आपके आरपीएम रिड्यूस हो जाएं, फिर उसका गियर के सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक कुछ है, तो इससे ये एक से पिक कर रहे हैं, दूसरे हाथ से पहले मैग्नेटिक जो है उससे रख रहे हैं, और हाथ से इसको उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह से पूरा बंडल बन जाता है। ये आपने देखा होगा डीसी मोटर में यूज़ करते हैं, जो आपके समरसिबल की मोटर होती है, मशीन्स की मोटर होती है उसमें। और ये बीच में जो स्लॉट कटे हुए हैं, यहाँ से बार बार डालते हैं।